नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। यूपी के रामपुर की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर शाबाद में लगने वाले मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मेले में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी लगातार मेला स्थल का जायजा ले रहे हैं। आज एक बार फिर एसएसपी ने मेला स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। यूपी के मुरादाबाद में मां की प्रताड़ना से नाराज होकर बच्चियों ने घर छोड़ दिया और पुलिस के पास जा पहुंची। पीड़ित बच्चियों की दर्द भरी दास्ता को सुन पुलिस के भी होश उड़ गए। फिलहाल बच्चों को पुलिस थाने में ले गई है और उनसे पूछताछ कर रही है। क्या मामला हुआ था सर? ये बच्चियां दोनों हमारे पास स्वयं आई और हमें बताया कि हम रास्ता भटक गए हैं और दो हैं ये बच्चियां। कहाँ पर मिली थी सर? ये जो ब्यास पेट्रोल पंप के पास जो स्कूल है, डीपॉल स्कूल के पास। कुछ बच्चियों ने अपना पता बताया? हाँ, पहले चंदोसी का बता रही थी, अब थाने आके पूछा फिर दोबारा, तो अब कुंदरकी का बता। अच्छा, इन बच्चों को कोई लाया था ये अपना पाई थी? नहीं, ये तो बता रही है एक जो साहिबा नाम की है वो बता रही है कि हमारी माँ हमसे मजदूरी करवाती थी तो हमने खुद छोड़ा है घर और दूसरी बच्ची को साथ ले आई है, वैसा बता रही है। तो बच्ची आपने कहाँ छोड़ दी है? मैंने थाने बिलारी में छोड़ी है और गाड़ी आ रही है। सर, आप काय पे हैं? मैं तो PRB 300। सर, शुभ नाम? भगवान स्वरूप पाठक, हेड कांस्टेबल भगवान स्वरूप पाठक। ओके सर। मेरठ के किठोर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में असलाह बनाने वाले उपकरण भी मौके से बरामद किए हैं। थाना किठोर पर जहाँ का राधना गांव काफ़ी इनफेमस है इलीगल आर्म्स को लेकर, वहाँ पर एक सूचना थी कि फिर से कोई एक फकीरा है, वो काम शुरू कर रहा है, तो इसी क्रम में जंगल में दबिश दी गई। तो फिर वहाँ पर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कि काफ़ी सारे बने तमंचे बनाने के उपकरण, अधबने तमंचे, पौनी बंदूकें और अन्य चीजें मिली हैं, तथा साथ ही दो अभियुक्त जो कि राधना गांव के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद। साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 31 की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच ने दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिस अपराधी को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। इस मासूम चेहरे के पीछे एक खूंखार अपराधी छुपा हुआ है। जी हाँ, ये वो अपराधी है जिसने गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, झज्जर, मानेसर, फारूकनगर सहित कई अन्य इलाकों में लूटपाट, छीना झपटी जैसे 28 वारदातों को अंजाम दिया है। गुरुग्राम की पुलिस क्राइम यूनिट सेक्टर 31 के इंस्पेक्टर नवीन और उसकी टीम द्वारा ऐसे दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जुल्लू जो बेसिकली नूह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तथा अमजद जो भी नूह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, जिनके ऊपर हमारे पुलिस महानिदेशक हरियाणा की तरफ से 50,000 रुपए दोनों के ऊपर इनाम घोषित किया हुआ था। इंस्पेक्टर नवीन और उसकी टीम ने ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो जुलू है उसके ऊपर अब तक जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है 28 केसेस में रही है, जो चोरी, थेफ्ट, ATM थेफ्ट के केसेस हैं, और जो अमजद है उसकी इन्वॉल्वमेंट 29 केसों में रही है, जो भी इसी प्रकार के केसेस हैं। इनसे अभी जो इनका माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया गया है और किसी अन्य मुकदमे में इसकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसमें भी इसका जो है उसको केस को ट्रेस आउट किया जाएगा, और इसके और जो भी इनके साथी रहे होंगे उनके बारे में भी और इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक पूछताछ की जाएगी। ये गुरुग्राम के लगभग जो अपना एरिया है उसमें और आसपास के जो NCR है उसमें ये अपनी वारदातों को अंजाम देते थे। यूपी के मुरादाबाद देहात में दहेज के खातिर रिश्ता तोड़ने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत देकर वर पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बाय। क्या मामला है? हमारी लड़की का मामला है, कुछ दिन पहले हल्द्वानी में रिश्ता तय कर दिया था आसिफ के साथ, तो अभी उसकी डिमांड हो गई, बोले साहब हम चरपैया लेंगे, अभी 4-5 लाख रुपए रिश्ते में उठा दिए हमने उसकी, तो कह रहा है रिश्ता छोड़ूंगा मैं। आप क्या चाहते हो?
ये चाहते हैं इंसाफ मिले हमें, ऐसा भी किसी के साथ में ना लड़ दी किसी। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत अभी एसएसपी के यहाँ पर करी है, अब थाने में आए हैं। क्या कहना है उनका? उनका ये कहना है जो तुम चाहो भी कर लो हमारा, कि हम कुछ नहीं दे रहे। थाना कौन सा लगता है? थाना हल्द्वानी। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया है। ये 12/13 मार्च की रात्रि में डिलारी में ग्राम सलेम सराय के पास में खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बाद में हुई थी। इसमें पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने मृतक की हत्या मात्र इस कारण की उसके साढ़ू पर उसको उसकी पत्नी से कुछ प्रेम संबंध होने के शक थे और अपने साढ़ू को इस हत्या की घटना में फंसाने के उद्देश्य से इसकी हत्या अभियुक्त के द्वारा की गई है। सर, मृतक कौन था, कैसे वो इस आरोपी को जानता था, कहाँ से मतलब इसकी पहचान हुई थी और इसी को क्यों चुना गया था? मृतक जो था गोपाल बंसल, गोपाल और सचिन बंसल, ये अमरोहा में जोया में गैस सिलेंडर की दुकान किया करता था और अमरोहा में ही आरोपी कस्बे में रहता था। दोनों का इस प्रकार से विगत 3-4 वर्षों से एक दूसरे से परिचय आना जाना रहा और मृतक अविवाहित था तो उसकी शादी कराने के लिए एक महिला से मिलवाने का झांसा देकर अभियुक्त उसको ले आया और अपने ससुराल के गांव के पास में मृतक की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उस घटनास्थल पर एक पर्ची डाली गई अभियुक्त के द्वारा और उस पर्ची में अपने साढ़ू व उसके परिवारीजन के कुछ लोगों के नाम लिखे गए कि इसकी घटना इन्होंने करी है, जिससे पुलिस डाइवर्ट हो जाए और पुलिस गलत दिशा में चली जाए। इस प्रकार से बड़े ही सातिर अंदाज में इस घटना को अभियुक्त के द्वारा अंजाम दिया गया। सर, क्या घटना को अंजाम देने में अकेला आरोपी था या उसके साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं? अकेला आरोपी ही, चूंकि आरोपी का वह दोस्त था, मोटरसाइकिल पर वह पीछे बैठा हुआ था, महिला से मिलाने के बहाने उसको ले आया, काफी देर तक इंतजार करते रहे। उसके बाद बताया गया कि वो महिला जिससे मृतक शादी करना चाहता था उससे उसके पहले उस महिला की मुलाकात नहीं हुई थी, वो झांसा देकर उसको अभियुक्त के द्वारा ले आया गया था और वहीं पर पीछे मोटरसाइकिल पे जब बैठा तो पीछे बैठे बैठे ही अपने पैर के मोजे में छिपाए गए चाकू को निकालकर उससे उसके गले पर प्रहार कर दिया। उसके बाद मृतक गिरा और दोनों में फिर काफ़ी देर तक आपस में जद्दोजहद हुई इनमें और फिर परिणाम स्वरूप कई अन्य चाकुओं से वार अभियुक्त के द्वारा मृतक के शरीर पर किए गए थे। सर, एक आखिरी सवाल, पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था, कौन सी कड़ी थी जिसके जरिए आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है, महत्वपूर्ण सुधार क्या था? पुलिस ने वहां तहकीकात शुरू करी और जब आरोपी की पहचान जोया के निवासी के रूप में हुई और आरोपी मुरादाबाद में रामलीला ग्राउंड के पास भी विगत 2 माह से मृतक रामलीला ग्राउंड के पास मुरादाबाद शहर में विगत 2 माह से लेबर का काम किया करता था और जब इसकी पहचान हुई तो वहाँ पर आसपास फिर जानकारी की गई और जानकारी करने पर पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे कि यहाँ पर एक आरोपी उमर नाम का है जो घटना के दिनांक को वहाँ गांव में देखा गया था और उसके बाद रात्रि के बाद से वह गांव में फिर नहीं दिखाई पड़ा। तो इससे पुलिस कड़ी दर कड़ी उस चीज़ों की तहकीकात करने लगी। फिर वहाँ पर जो पर्ची मिली थी उस पर्ची को कुछ जानकारों के द्वारा पुलिस ने तहकीकात कराई तो पर्ची की हैंडराइटिंग, चूँकि अभियुक्त की ससुराल भी सलेम सराय गांव में ही है तो उसकी हैंडराइटिंग को भी कुछ लोगों ने शक किया कि ये उसकी हो सकती है।
और अभियुक्त का चाल चलन भी बहुत अच्छा नहीं पाया गया। उसकी पत्नी भी विगत 7 महीने से अपने मायके में रह रही है और उसके पास नहीं जाना चाहती है। तो इन सारी तथ्यों के आधार पर और सर्विलांस की भी कुछ मदद ली गई, इसमें सारे तथ्यों के आधार पर छानबीन करते हुए पुलिस अभियुक्त तक पहुंच पाई। शामली पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों बदमाश पहले भी अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुके हैं। सर, कैराना में जो असलाह पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? ये हमारी शामली पुलिस को सफलता मिली है। इसमें हमारी कैराना थाना क्षेत्र में एक मुखबिर की सटीक सूचना पे हमारी टीम ने घेराबंदी करके मुठभेड़ करके ये असलाह तस्करों को और असलाह की फैक्ट्री चलाने वाले को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से बने अधबने करीब 25 तमंचे, रिवाल्वर और बंदूक ये बरामद हुई है। साथ ही साथ भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं वो पहले भी असलाह की फैक्ट्री इत्यादि के जुर्म में जेल जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ये पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये करीब 2 से 2500 रुपए में तमंचे बेचते हैं और करीब 4 से 5000 रुपए के रेंज में ये पौनिया बंदूक बेचते हैं। और निश्चित रूप से इस गिरफ्तारी से हमारे यहाँ पे असले का जो अवैध असले की सप्लाई है उसमें विराम लगेगा और हम चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने में कामयाब होंगे। और इस तरह से हमने अपनी पूरी टीम को 20,000 रुपये का इनाम देने की कोशिश की। शाहजहाँपुर के शहर कोतवाली में हुड़दंगियों का ये रेला लाट साहब के जलूस का है और भैंस गाड़ी पर बैठाकर जिस व्यक्ति को जूते से पीटा जा रहा है ये शाहजहाँपुर की होली के लाट साहब है। यहाँ लाट साहब का जुलूस निकालने की ये परंपरा दर्शकों पुरानी है। सभी जो हमारा पुलिस बल है हर गली हर नुक्कड़ और जुलूस के साथ और जो हमारी जो लाट साहब चलते हैं उसके अंदर मतलब पूरी इनर कॉर्डन आउटर कॉर्डन रूट की व्यवस्था छत की व्यवस्था हमारे 150 से अधिक कैमरा लगे हुए हैं तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अराजक तत्वों को भी चिन्हित किया गया है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस की टीमें हैं हमारी सर्विलांस की टीमें हैं वो भी वॉच कर रही हैं लगातार। ठीक है, तो किसी तरह की गड़बड़ी आम जनों की सुविधा रहे होली सबसल खेली जाए इसका हम लोग ध्यान रखें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN News। अब तक के लिए नमस्कार।